हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेम यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट का पूरा कंप्लीट सेशन। इससे पहले मैंने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन को कवर कर दिया है और अब मैं कवर करने वाला हूँ एनिमेशन को। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितना बनाया है आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आपके लिए पूरा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इमेज मंगाएंगे, इमेज मंगा के उसमें हम कुछ इवेंट कराएंगे। ठीक है, तो इंसर्ट पे गए और पिक्चर हमने यहाँ से कुछ इंसर्ट कर लिया। इसे मैंने पहला पिक्चर यहाँ से ले लिया, एक इंसर्ट कर लिया इनको। ठीक है, एक इमेज ही आ गया। एक इसका मैं चाहिए रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए इनका, हमने बैकग्राउंड हटा दिया, बिल्कुल समझ आया। और अब क्या करना, या नेक्स्ट पेज पे जाओ और आप और पेज भी मंगा सकते हो, बहुत सारा नेक्स्ट पेज कर सकते हो। ठीक है, और इस पर क्लिक किया, इंसर्ट पर जाओ, पिक्चर। अब ये चाहिए हमें, इंसर्ट किया, इसका रिमूव बैकग्राउंड करो, बैकग्राउंड हट गया। ठीक है, ये आ गया कुछ। इसके बाद इंसर्ट करो और यहाँ से कुछ और इमेज चाहिए हमें, हमने क्लिक किया इंसर्ट, इसका बैकग्राउंड रिमूव करो, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करो, यहाँ पर हम नेक्स्ट लेंगे, कुछ और कुछ चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है ना, तभी हम काम कर पाएंगे ढंग से। और एक और इमेज ले लेते हैं, लास्ट ले लिया। अब क्या करना, अब ये देखो ये इमेज है। ठीक है, और क्या चाहते हो, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन वगैरह करना चाहते हो तो कर पाओगे। अब देखो क्या करना हमें, हमें तो यूज़ करना है ट्रांजिशन, तो हम ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम पहले पेज पर जाते हैं और पहले पेज पर देखते हैं। यहाँ पर हमें लगाना टाइटल, इंसर्ट पर गए और यहाँ पर हमने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया, वर्ड आइटम ले लिया। और हम चाहते हैं अब लिखते हैं हमने फोटो एल्बम, एल्बम इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाओ और यहाँ पे क्या करना, आप इसका फॉन्ट का स्टाइल सेट कर लो पहले। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे इसको बड़ा कर लो, बड़ा करने के बाद कंट्रोल यू कर लो, अंडरलाइन रहेगा तो और भी अच्छा होगा। फॉर्मेट पर जाओ और सेफ इफेक्ट लेकर के ट्रांसफॉर्म दे दो यहाँ पर, और कुछ ऐसा चाहते हो दे दो, इसको बड़ा कर लो यहाँ से खींच करके। ठीक है, और इसको कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे कलर वगैरह भी आप दे सकते हो। टेक्स्ट में गए और यहाँ पे कलर दे दो। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट है ना, नॉर्मल टेक्स्ट, सॉरी यहाँ 3D टेक्स्ट हो चुका है। इसके लिए क्या करोगे आप, आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाओ, यहाँ पर कलर वगैरह यहाँ मिलेगा आपको, ये क्या करेगा, और इसका जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी। और ये कलर एक्चुअली ये ब्लैक कलर में है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ क्या करना है। हमें यूज़ करना ट्रांसफॉर्म गए और यहाँ देखो कट करेंगे, इससे क्या करेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास पोर्शन होगा, क्या ऑन माउस हटाएंगे, आफ्टर रखेंगे सबको ना, और इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, इन सबका हम इस्तेमाल करेंगे। पहला पेज रखते हैं हम रिपेल, ओके, और ये जो जितना स्लो आया है उसका हम टाइमिंग रखते हैं सबका 5-5। ठीक है ना, 5-5 सेकेंड रखो, सब सही रहेगा, ओके। अब इस पर सेकेंड पे जाओ, सेकेंड पे आपने रख लिया, इस पर रिपेल रखा, इस पर रखो हनीकॉम। इसके बाद इसको ऑन माउस हटा करके यहाँ पे आफ्टर रखो, 5 सेकेंड पे गए, नेक्स्ट पेज पे पुश कर दो, इसको हटाओ, आफ्टर कर दो। इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट पेज पे गए, रैंडम बार लगा दिया, इसको हटा दो यहाँ से, 5 मिनट, सॉरी 5 सेकेंड होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, और भी हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसा यूज़ करना होगा वैसा ही यूज़ करिएगा। ठीक है, इसको हटा दो, आफ्टर प्रीवियस, और भी हमारे पास कुछ बचे हुए, इसको हम ले लेंगे, इसमें हम लगा देते हैं कोई लास्ट वाला। और जब अगर 2016 यूज़ करोगे ना तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत मिलेगा 2016। इसमें पूरा पूरा फीचर दिया, बटरफ्लाई स्क्रिप्ट दिया है, ये अगर कोई आपका स्लाइड है तो बटरफ्लाई जैसा उड़ाना है ना, चलाना है तो चला सकते हो। ठीक है, और अगर देखो एक और चीज़ हमें पेज चाहिए, लास्ट पेज हम ले लेते हैं, इंसर्ट किया, और यहाँ पे हम क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि टीम मेम्बर का जो एंडिंग पेज होता है ना वो रेडी कर दें। तो हमने लिखा है यहाँ पर क्या, मेम्बर्स, जितने लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, आपके जो हेल्प करने वाले हैं वीडियो बनाने एडिट करने में, उन सब के नाम लिख दोगे। और क्या करोगे, यहाँ पे एनिमेशन पे जाओगे, यहाँ एक चीज़ होता है एड इफेक्ट, मैं इसको बताऊंगा अलग से, फिलहाल एक जान लो। मोर इंटरेस्ट पे जाओगे ना तो यहाँ लिखा होगा क्रेडिट,
ठीक है, तो क्रेडिट पे क्लिक कर दोगे ना तो वही इसका होता है, मूवी की पूरी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा एग्जिस्टिंग में क्लिक करना, ओके करो। ठीक है, लगा दिया, इसको लगा दो विथ प्रीवियस, समझ में आया। अब इसको क्या करना, प्ले कर दो सीधा सीधा। प्ले कैसे करोगे, प्ले करने का तरीका है आप फ्रॉम बिगनिंग कर लो। ठीक है, जैसे क्या होगा, ये वीडियो शुरू हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ ये ऐसे चला सकते हो, अगर चाहो तो मैं इसमें ऑडियो करके दिखा दूँ। इंसर्ट पे जाओ और ऑडियो पे क्लिक करो, एक ऑडियो लगा देते हैं ना, चलो ठीक है ऑडियो लगा देते हैं टूअर। ठीक है, इंसर्ट करो और जो ऑडियो होगा ना ऑडियो को साइड रखना और प्लेबैक में जा करके विथ प्रीवियस कर लो इसको, ऑटोमेटिकली हाई ड्यूरिंग शो कर लो। और यहाँ पे क्या करना, एनिमेशन जाओगे यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस की जगह विथ प्रीवियस कर लेना, समझ में आया। आप इसको प्ले करो तो वो चीज़ आपके साथ प्ले होगा जी, एकदम बढ़िया से। ये जो वीडियो है ये कंटिन्यू में क्या हो गया कि ये रुक गया यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें चलाना होगा कंटिन्यू और रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग के बाद चलता रहे। और इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग में क्या करना होगा, यहाँ पर प्ले इन बैकग्राउंड एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये जो 10 वाला है 10 में उतना फीचर नहीं मिल पाता है, 13 और 16 का इस्तेमाल करोगे ना तो ये जो आपको ऑडियो है प्ले बैक में मिलता है पूरा पूरा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है उस टाइम का काम करने का तरीका जब ये प्ले बैक दे देगा। और प्ले बैक से क्या करोगे आप, पूरा सेटिंग कर लो ढंग का। ठीक है, प्लेबैक पे क्लिक कर देंगे ना और यहाँ पे लिखा होगा फुल स्क्रीन यानी सॉरी प्लेन बैकग्राउंड, तो आप इस्तेमाल कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो वगैरह बनाना हो ना तो 2016 रहेगा तो और भी बेहतर होगा, समझ में आया। ये जो म्यूजिक है सब पेज पे अप्लाई हो जाएगा, या अगर तरीका ये है कि इसका ट्रिमिंग कर लो, ये तरीका है कि आपके पास जितना 5-5 सेकेंड का है तो 5-5 सेकेंड का सेट कर लो, ये तरीका है हमारे पास, है कि नहीं, जैसा पेज आएगा वैसा चला लो, ओके करो। ठीक है, और कुछ और खूबियाँ देखना चाहते हो तो देख लो, जैसे क्या यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बॉक्स वाइट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है इफेक्ट देता है कि आप चाहते हो क्या, लेफ्ट से राइट से या अप से डाउन से यानी टॉप से, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, और टाइमिंग सेट कर लिया करो, टाइमिंग सेट करने के बाद ही अपना काम होगा क्योंकि वो उतने आराम से जाएगा प्ले होगा। और ये आपको पता चल गया एडवांस लाइट, मतलब जो ऑन माउस क्लिक होता है ये प्रेजेंटेशन व्यू के लिए होता है, और वीडियो बनाना हो तो आफ्टर का इस्तेमाल करना। ठीक है, इसके हिसाब से काम हो जाएगा, टाइमिंग दे देना। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का एंड, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप जरूर कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा एनिमेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड शो इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, यदि आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और प्ले लिस्ट से जा करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।